पंचकुला में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के प्रथम राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग महावीर सिंह, महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा जी गणेशन भी मौजूद रहे। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में 73 प्रशिक्षकों को कराटे बेल्ट देकर सम्मानित किया गया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस अवसर पर कहा कि हमने टारगेट से ऊपर बेटियों को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने कहा कि 1,21,000 का टारगेट था, हमने 1,23,000 बेटियों को इस कार्यक्रम से जोड़ा है। इस प्रशिक्षण का बहुत लाभ हमारी बेटियों को मिलेगा। आज जो आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम हमने स्कूल में शुरू किया, हमारा टारगेट जो था वो 1,21,000, लेकिन जो प्रशिक्षण दिया गया वो 1,23,000 से भी ज़्यादा प्रशिक्षण दिया। और मैं समझता हूँ ये आज के टाइम की बहुत बड़ी भूल है। जैसा अभी हमारे माइक लगा पाए अतिरिक्त सचिव एजुकेशन श्री भागवत जी ने भी कहा है कि कॉन्फिडेंस से ना, जब आत्म कोई खतरा नहीं है, आत्मरक्षा का पूरा कॉन्फिडेंस आपके पास है, निश्चित तौर से परिणाम अच्छा है और व्यक्ति जो है वो ज़्यादा प्रगति करता है। ये जो प्रशिक्षण दिया गया तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा लाभ जो है हमारी बेटियों को मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी बेटियों ने हमें कहीं निराश नहीं किया, चाहे खेल हो या शिक्षा हो। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने अच्छा काम किया है उनको बेल्ट मोबाइल भी दिए गए और 5 तारीख को 2,50,000 टैबलेट वितरित किए जाएंगे जो सभी सुविधाओं से लैस होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब उसके बाद है बेटी के स्वास्थ्य की बात है, बेटी को पढ़ाओ यानी कि वो ताकतवर भी हो और बेटियों ने कहीं भी निराश नहीं कराया। अगर जितना काम हमने बेटियों के लिए किया तो बेटियों ने उस कर्ज ज्यादा दिया हमारे, चाहे वो फिर खेल का मामला था, चाहे शिक्षा का मामला था, कहीं भी वो ज्यादा। आज आपने कुछ बच्चों को मोबाइल भी दिए हैं, कुछ एसएमसी के विमोचन भी किए, वो क्या? हाँ, वो जो बच्चों ने अपने अपने फील्ड में अच्छे नाम काम किए तो उनको चाहे बेल्ट देने की बात थी, चाहे मोबाइल देने की बात थी, प्रमाण पत्र देने की बात थी, वो भी थी। और साथ ही जो एसएमसी से जो हमारे स्कूल में मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं वो भी आ जाए थे। और मैं समझता हूँ उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है स्कूल में। अगर हम मिलके काम करेंगे, अगर हम बिल्कुल अलग अलग कर देंगे तो काम केवल एजुकेशन विभाग का, टीचर का काम हमने क्या लेना, तनखा तो यही ले रहा। अगर तो ऐसे कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम समझेंगे स्कूल मारा है, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हम आएंगे, हम सुझाव भी देंगे, मास्टर जी का सहयोग भी करेंगे, अगर हम सारे मिलके करेंगे तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में इसके परिणाम। टैबलेट भी वितरित किए जा रहे हैं 5 तारीख से, किस तरह से तैयारी है? नहीं, बिल्कुल पूरी तैयारी है उसकी। उस दिन 2,50,000 जो टैबलेट है हम सारे बच्चों को वितरित करेंगे और अभी तक का ये पूरे देश का सबसे बड़ा आंकड़ा है और सभी संविधाओं से लैस करके हम बच्चों को देने पड़े। और जल्दी इसी महीने में लगभग जो 5,00,000 का हमारा टारगेट है लगभग हम इसी महीने में उसको। आरोही स्कूल्स को लेकर सवाल था, आरोही स्कूल्स में क्योंकि चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो चाहे बच्चों की संख्या हो वो लगातार घटती जा रही है, क्या उसको लेकर अभी विभाग के पॉइंट? देखिए, अभी जो भी हमारे स्कूल थे वो सारे हमने संस्कृति मॉडल स्कूल के साथ जुड़ गई। मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले टाइम में आप देखो संख्या बच्चों की बढ़ेगी क्योंकि हर जगह बच्चों की संख्या बढ़ रही है। वहीं आरोही स्कूल के विषय पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने सभी स्कूलों को संस्कृति मॉडल स्कूलों से जोड़ा और अगर कोई दिक्कत है तो उसे दूर करेंगे। पंचकुला से विशेष संवाददाता चंद्रशेखर धरणी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।